देखिए, जैसे आपको पता है कि बहुत भारी मात्रा में दिल्ली कूच के लिए किसानों की मूवमेंट रहेगी, तो उसके लिए हमारे को जो मेन हमारा इशू रहेगा वो पंजाब से जो किसानों की एंट्री है, जो कूच है, उसको रोकना है ताकि वो यहाँ से हरियाणा में एंटर ना कर पाएँ। तो हमारे जो अभी हम प्रेजेंटली खड़े हैं, तो ये हमारा सत्योपुर बॉर्डर है और एक बॉर्डर हमारा लगता है पटियाला साइड से। तो दोनों जगह हमने मैक्सिमम फोर्स मोबिलाइज करने की हमने इसमें प्लान बनाया है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं कि कितने किसान इस रोड से एंट्री करने की कोशिश करेंगे और दूसरी लोकेशन से भी कोशिश करेंगे, तो उस इनपुट के हिसाब से उनके जो हमारी जो एस्टिमेट के हिसाब से हम यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे। तो वो अभी हम उस तैयारी में लगे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इस लोकेशन पे जो हमने नाकाबंदी करनी है वो कितनी मजबूत होनी चाहिए और उसको हम कितना अच्छी तरीके से रिएक्ट कर पाएं ताकि यहाँ पे कोई वेहिकुलर एंट्री ना कर पाएं और जो लोग किसान लोग हैं यहाँ से हरियाणा में एंटर ना कर पाएं किसी भी तरीके से, उसके लिए डीसी साहब और मैं यहाँ पे सिचुएशन में देख रहे हैं कि हमें कितनी क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ खड़े हैं, जो कि फोर्स की जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी तो हो सकता है कि यहाँ पे फोर्स को एक दिन यहाँ पे रहना पड़े, क्योंकि जो किसान लोग आएंगे यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे वो धरना दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो सारे इंतजाम हैं उसके लिए हम यहाँ पे जायजा ले रहे हैं उस चीज़ का। सर, बॉर्डर कब बंद कर दिए जाएंगे, कल से बंद किए जा रहे हैं? देखिए, ये भी एक इनपुट का इशू है। इसमें भी जो हमारे पास इनपुट्स आएंगे, इंटेलिजेंस इनपुट्स आएंगे, उसके आधार पे ही ये रोड ब्लॉक की जाएगी, क्योंकि हम ये देखेंगे जब उनकी तरफ से मूवमेंट शुरू होती है तो हमारे पास जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से ही हम इसको रोड को ब्लॉक करेंगे। और इस चीज़ के लिए, रोड ब्लॉक के लिए प्लस रोड रूट डाइवर्जन के लिए, ताकि आम आदमी को, आम जन को, नॉर्मल चलने वाले को, सड़क पर चलने वाले को परेशानी ना हो, इसके लिए हम एक प्रेस नोट भी इशू करेंगे, सो दैट जो आम पब्लिक है उसको ये वो सचेत रहें कि इस दिन या इस घंटे रोड जाम रहेगी और ट्रैफिक डाइवर्जन ये रहेगा, किसी ने अगर कहीं जाना है तो उसको असुविधा ना हो। उसी की तैयारियों के लिए ही सभी ऑफिसर यहाँ पे आज आए हैं और हम कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होने देंगे जिससे लैंड ऑर्डर पे फर्क पड़े, और उसी की तैयारियां पूरे जोर शोर से कर ली गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी कुछ डिसीजन लिए गए? अगर ऐसा रहा, रोड ब्लॉक रहा, तो ट्रैफिक डाइवर्जन करने के लिए भी प्लान है, जनता को इनकन्वीनियंस ना हो, इस टाइप से हम सारा कार्य करेंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, रास्ता ब्लॉक होता है, तो कम से कम मूवमेंट करें, सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही मूवमेंट करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।